सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसी चैप्टर के अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज हम सबसे पहले एक एक चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन फिर उसके अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस को करा रहे हैं। और दोस्तों, अगर समय बचता है तो हम लघु उत्तरी क्वेश्चंस को भी जरूर रिवाइज करवा देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग का कंप्लीटली हर एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 40 से अति लघु उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट है। शिक्षण से क्या अर्थ है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फिर 2017 में पूछा गया है शिक्षण से क्या तात्पर्य है या शिक्षण का क्या अर्थ है, यानी कि शिक्षण का क्या अर्थ है या फिर शिक्षण से क्या तात्पर्य है, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना तथा ज्ञान देना। अन्य शब्दों में शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के मध्य होती है। यानी कि जो शिक्षण होता है इसके अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान होता है, टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और इस तरीके से शिक्षक और छात्रों का एक संबंध होता है, मधुर संबंध होता है, जिसके अंतर्गत वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं और टीचर इसके माध्यम से बच्चों को हर एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षण होता है ये द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें टीचर और छात्र दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ही इसमें मिल करके शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना लेकिन बच्चे का काम है उसको समझना और जो ना समझ में आए उसको पूछना भी। तो इस तरीके से इसीलिए हम शिक्षण को द्विमार्गीय प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। रायबर्ण के अनुसार शिक्षा में तीन केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है, यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु में संबंध स्थापित किया जाने वाला एक कार्य है आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि जो शिक्षण होता है इसी के द्वारा शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु इन तीनों का संबंध स्थापित किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। शिक्षण की दो विशेषताएं क्या है, अधिगम में सहायक यानी कि सीखने में सहायक और कौशल क्षमता का विकास। जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है और इसके अलावा उसकी कौशल क्षमता, उसकी स्किल भी उसको बहुत सारी डेवलप होती है, उसको बहुत सारी चीजों में वो, आप जब स्कूल जाता है बच्चा तब आप जान पाते हैं कि आपके बच्चे की क्या हैबिट है, आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों की स्किल निखरती हैं स्कूल में जा कर के ही। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो शिक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, सर्वांगीण विकास में। इसीलिए शिक्षा को सर्वांगीण विकास करने वाला तत्व माना गया है किसी व्यक्ति के जीवन में। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है या शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों, शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। इसके अंतर्गत सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सभी प्रकार के विकास शामिल होते हैं। और इस तरीके से जो बच्चा होता है उसको एक योग्य नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाना सबसे पहले ये जरूरी होता है, शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास था करना तथा छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को उनका निर्णय खुद लेने में योग्य बनाना, यानी कि बच्चों को आप इतने अच्छे से संस्कार दे दें, इतने अच्छे से उनको चीजों को सिखा दें, जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं, कि बच्चा अपना, अपने भविष्य का निर्णय और जितने भी निर्णय उसको अपने जीवन में लेने हैं वो उनको खुद ले सके और इस तरीके का गुण उसके अंदर आए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और देखिए, शिक्षण द्वारा छात्र को अपने आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करना भी सिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो शिक्षण होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में
बहुत जरूरी होता है, शिक्षा बहुत जरूरी होती है, ये तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग उससे बेहतर इसको कौन जान सकता है कि शिक्षा कितनी जरूरी होती है एक व्यक्ति के जीवन में। दोस्तों 2016, 17 और 18 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुनरावृत्ति के शिक्षण सिद्धांत का क्या महत्व है? दोस्तों देखिए, शिक्षक को छात्रों को पाठ के जरूरी भाग को दोहराने का अभ्यास करना चाहिए। पुनरावृत्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। कठिन पाठ को अधिक बार अभ्यास कराना चाहिए एवं सरल पाठ को कम बार अभ्यास करके भी अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। दोस्तों जब बच्चे गणित के सवाल लगाते हैं तो पुनरावृत्ति के क्वेश्चन होते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें पुनरावृत्ति के क्वेश्चन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि बच्चे उस पाठ का अभ्यास फिर से कर लें। फिर से करने से क्या होता है, जब बार बार बच्चे उसका अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर में उनको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से वो उस पाठ के विषय में समझ जाएंगे। तो इस तरीके से जो लेसन कठिन होते हैं या जो चैप्टर कठिन होते हैं उनको टीचर को बार बार अभ्यास करा के बच्चों को बिल्कुल उसमें अभ्यस्त कर देना चाहिए, और इस तरीके से बच्चे अच्छे से उस पाठ को समझ जाएंगे और अगली कक्षा में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसको तुरंत आंसर देंगे आपको। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संप्रेषण का अभिप्राय भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान से होता है। संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संप्रेषण करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बातें सुनने की, विचार विनिमय करने की, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। दोस्तों संप्रेषण के द्वारा ही बच्चे टीचर की बात को समझते हैं और टीचर भी बच्चों की बात को समझते हैं। जो संप्रेषण होता है इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है आप अपने भावों विचारों का परस्पर आदान प्रदान करें, और जो आदान प्रदान होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, और इस तरीके से इसी के माध्यम से टीचर बच्चों को चैप्टर्स लेसन को पढ़ाते हैं, इसी के अंतर्गत बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो संप्रेषण की क्रिया होती है ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की एक बहुत ही अच्छी कला है, और संप्रेषण के द्वारा ही बच्चे टीचर की बातों को समझते हैं, और वो भी जो चीजें उनको नहीं समझ में आती हैं, किसी चैप्टर में कोई डाउट रहता है या जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं अगर बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो भी वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो संप्रेषण होता है ये बच्चों और टीचर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछता है कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, तो संप्रेषण के घटक होते हैं जो संप्रेषण करता है, या संप्रेषण करता बोल सकते हैं उनको जो संप्रेषण करते हैं यानी कि टीचर, और जो ग्रहण करता है यानी कि ग्राही वो होता है बच्चा या स्टूडेंट आप बोल सकते हैं, विद्यार्थी, और इसके अलावा जो उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है वो होता है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु के द्वारा ही टीचर और बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर होते हैं स्कूल में। तो इस तरीके से संप्रेषण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टीचर और बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। दोस्तों संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए, यही पूछा है क्वेश्चन में, 2016 में 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि जो संप्रेषण होता है ये एक दूसरे की विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करता है। आप अपने विचारों को रखिए, सामने वाला व्यक्ति अपने विचारों को रखेगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो यही होता है कि किस तरीके से आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने रख पा रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, शैक्षणिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? दोस्तों शैक्षणिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, व्यक्ति संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। अब इसको समझ लीजिए आप, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और कलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। व्यक्ति संप्रेषण का मतलब है कि टीचर है क्लास में केवल एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए कि केवल एक स्टूडेंट है उसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया व्यक्ति संप्रेषण की। केवल टीचर है, बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
तो टीचर उसका जवाब दे रहे हैं, और इस तरीके से केवल और केवल एक व्यक्ति जो बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, और जो उसे नहीं समझ में आ रहा है वो व्यक्ति पूछ रहा है। तो इस तरीके से टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको समझ रहा है, और बच्चे को जो चीजें नहीं समझ में आ रही, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन टीचर से वो पूछ रहा है। तो ये हो गया व्यक्ति संप्रेषण। और अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, कम से कम कक्षा में 30 से 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये हो गया सामूहिक संप्रेषण, यानी कि टीचर बोल रहे हैं, बच्चे उनकी बताई गई बातों को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया सामूहिक संप्रेषण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से। दोस्तों संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आप अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो आप शाबाश बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके मुख से कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं। और अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब है कि आप बच्चे को बिना कुछ कहे आप क्या कर सकते हो, कैसे उसकी प्रशंसा कर सकते हो या कैसे उसको दंड दे सकते हो। तो इसमें आता है अशाब्दिक संप्रेषण में आप बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, इसके अलावा आप बच्चे को दंड दे रहे हैं, यानी कि बिना कुछ बोले। बोलने का मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक बिना बोले ही। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं एवं व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों को क्रियाशीलता का अवसर प्रदान करना, विशिष्ट बालकों को भी उनकी रुचि के अनुसार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना, साधारण छात्रों को भी व्यक्तिगत संप्रेषण प्रदान करना। यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि आपकी कक्षा में मान लीजिए 30 छात्र हैं, तो 30ों को आप अलग अलग पढ़ाइए, अलग अलग उनको समझाइए। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर आप व्यक्ति संप्रेषण दे रहे हैं तो इससे क्या फायदा होता है। तो अगर क्लास में एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है और एक टीचर केवल एक ही बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि कितना अंतर होगा। जो बच्चा अकेले पढ़ रहा है, टीचर कहीं ना कहीं उस पर अधिक ध्यान देंगे, और जिस क्लास में 40 बच्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं टीचर को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसपे एक टीचर पर्टिकुलर सभी बच्चों पर ध्यान उतने सही से नहीं रख पाएगा जितना एक बच्चे पर रख पाएगा। तो अगर एक बच्चे पर रखेगा तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होना ही होना है, उस बच्चे को क्रियाशील बनना ही है, उसकी रुचि के अनुसार उसके क्षेत्र में वो आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी भावनाओं को उसके विचारों को अच्छे से टीचर समझ लेंगे। और इस तरीके से साधारण बच्चों को भी व्यक्तिगत संप्रेषण प्रदान करके वो विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में, या फिर ये कहें कि साधारण बच्चों को भी वो व्यक्तिगत संप्रेषण दे करके एक तेज बच्चा और बहुत ही होनहार बच्चा भी बना सकते। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों शिक्षण के उद्देश्य बहुत सारे हैं, इसमें दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर भी होता है। अब दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, सामूहिक संप्रेषण के दो दोषों का उल्लेख कीजिए। तो सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या है, इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं दिया जाता है, सभी को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर टीचर एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान वो नहीं दे पाएंगे। वो कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए उसमें से कुछ कठिन शब्द है जो एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, लेकिन अब टीचर की मजबूरी है कि टीचर को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी के 38 बच्चों को समझ में आ रहा है, केवल दो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सभी बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है टीचर को सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत, जबकि अगर इंडिविजुअल केवल एक बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत, तो वो अधिक ध्यान दे पाएंगे उस बच्चे पर। अब देखिए यह विधि कक्षा केंद्रित होती है जबकि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बहुत सही बात यहाँ पर लिखी गई है, जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है, लेकिन ये जो विधि है ये कक्षा केंद्रित होती है, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, एक टीचर को सभी बच्चों को पढ़ाना होता है और वो सभी बच्चों के विचारों को एक 30 मिनट के 35 मिनट के पीरियड में वो सारे बच्चों के विचारों को नहीं समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोष होते हैं संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण के। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। दोस्तों ज्ञात की ओर अज्ञात जो शिक्षण सूत्र है ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, और इसमें ये चीज कही गई है कि बच्चा जो जो ज्ञान उसको पता है, जो चीजें वो पिछली कक्षा से सीख करके आया है, उसी कक्षा के ज्ञान के आधार पर उसको अगला ज्ञान दिया जाए जो उसको नहीं पता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। दोस्तों देखिए प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है, जारी रखती है एवं पूर्ण होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्व द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के
बात सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है। दोस्तों, एक टीचर को हमेशा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, चाहे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना हो, चाहे किसी भी तरीके से, ताकि बच्चे मोटिवेट रहेंगे तो बच्चे आपकी कक्षा में इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे अच्छे से आपके विषय को पढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार बच्चों को प्रेरित करते रहें, बच्चों को मोटिवेट करते रहें पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक द्वारा पाठ का प्रारंभ मूर्त वस्तुओं से किया जाए एवं उसका अंत अमूर्त बातों से हो। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत सही चीज बताई है कि उन्होंने इस पर देखिए जोर भी दिया है। क्यों जोर दिया है? बच्चे को जो चीजें दिख रही है क्लास में, जो भी चीजें उसको पता है, अगर आप उन चीजों को जोड़ करके जो चीजें उसको नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में अगर आप बताओगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे से चीजों को सीख पाएगा और बहुत ही अच्छे से वो चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा। अब छोटे बच्चे हैं, अब क्लास में मान लीजिए मेज रखा है, कुर्सियां रखी है, तो आप अगर अच्छे से बच्चों को आप समझाओगे कि किस तरीके से लकड़ियां काटी जाती हैं, लकड़ियों के काटने से किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, इसके अलावा लकड़ियां कहाँ से आती हैं, पौधों से आती हैं, तो बच्चे इसके बारे में थिंक कर लेंगे, बच्चे और चीजों को सोच लेंगे। लेकिन जो चीजें क्लास में दिखाई दे रही है पहले बच्चों को उसके बारे में बताना है, फिर जो चीजें बच्चों को नहीं पता है वो आसानी से बच्चे समझ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के 3 केंद्र कौन कौन से हैं। बहुत ही इजी है, त्रिमुखी प्रक्रिया में दोस्तों, जैसे कि संप्रेषण में मैंने आपको बताया कि त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है, शिक्षक आता है, शिक्षार्थी आता है और पाठ्यक्रम आता है, वैसे ही संप्रेषण में भी 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। सेम वही चीज त्रिमुखी प्रक्रिया में भी आता है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यही होते हैं तीन मुखी प्रक्रिया शिक्षा के 3 केंद्र, क्योंकि इनके बिना पढ़ाई संभव नहीं है। जब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों का आपस में संबंध बनता है तब जाकर के त्रिमुखी प्रक्रिया बनती है और तब जाके शिक्षा की शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षा के तीनों केंद्रों में आपसी सामंजस्य कैसे होता है। दोस्तों, शिक्षा के तीनों केंद्र कौन कौन से हैं, आपने देखा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो तीनों केंद्रों में आपसी सामंजस्य शिक्षण द्वारा होता है। जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, टीचर कोई ना कोई पाठ्यक्रम यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाते होंगे बच्चों को, जब वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसके द्वारा वो बच्चों से जुड़ेंगे, तो बच्चे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चे टीचर से पूछेंगे, तो इस तरीके से उस पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक केंद्र बन जाते हैं तीनों मिलकर के, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। दोस्तों, पूर्ण से अंश मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है अच्छे से कि पहले पूरी वस्तु के बारे में आपको समझा दिया जाए, उसके बाद आपको उसके एक एक अंश के बारे में बताया जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे एक पेड़ है, पहले पूरे पेड़ की आकृति बच्चे को दिखा दी जाए पूरा, और इसके बाद बताया जाए कि जड़ें कहाँ है इस पौधे की, तने कहाँ है, तना कहाँ है, इसके अलावा इसमें पत्तियां कहाँ है, तो फूल कहाँ है, फल कहाँ, तो बच्चे बहुत ही इजिली बता जाएंगे। यानी कि सबसे पहले उस पूर्ण वस्तु को दिखा देना बच्चों को, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बताना। तो यही होता है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय बालक के समझ में आने वाली पूर्ण पाठ्य वस्तु तथा तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत कर धीरे धीरे उन्हें अंशों के ज्ञान की ओर अग्रसर करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है। 2014 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है। अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को अपने कौशल से ही ऐसी परिस्थिति या वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके अनुसार छात्र सहज ही गुण ग्रहण कर सके। यहाँ पर कहा गया कि बच्चों को आदेश देकर आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। अगर आप क्लास में घुसे हैं और बच्चे बिल्कुल अनुशासन में नहीं है, आप डांट करके चुप करा लेंगे, लेकिन बच्चों का तो मन है अंदर ही अंदर बात करने का, तो वो बिल्कुल आपके विषय पर ध्यान नहीं देंगे। आपको एक ऐसा टीचर बनना है कि आपकी क्लास में आते ही बच्चे अपने मन से शांत हों कि हाँ सर कुछ अच्छी चीज बताने वाले हैं, मैम कुछ अच्छी चीज बताने वाली है जिसको, जो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चे क्लास में आपको देखते ही प्रसन्न हो जाए और उन्हें लगे कि आज हम कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको ये माहौल, ये वातावरण बना करके आपको कक्षा में रखना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से आशय बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करने से है, अर्थात जब बालक में किसी पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो इसके लिए उस पाठ का
सीखना सरल हो जाता है। यानी कि जो रुचि का सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उस विषय को सीखेंगे नहीं। जैसे अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई आपको उसको पढ़ा नहीं सकता सही से। तो इसीलिए इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक टीचर का काम है कि वो किस तरीके से कक्षा में बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों में इंटरेस्ट जगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 बताने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सभी विषयों के आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन हो, लघु उत्तरी क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। और दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरीके से आप लोगों के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करके, डिस्क्राइब करके, समझा करके खत्म किया है, ताकि आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर एक बार आप केवल समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे। दोस्तों आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन का हमने पूरा सुपर फास्ट रिविजन करवाया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस का, इसको भी हम कर लेते हैं। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? दोस्तों क्रियाशीलता शब्द देखने में बड़ा है लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही आसान है कि बच्चे खुद, जब आप बच्चों को करने को देंगे, आप कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बच्चों को बताइए कि आपको ये करना है, ये आप करके दिखाओ, बच्चे बहुत बहुत चीजें इनोवेटिव करेंगे। आप देखोगे कि वो इतनी अच्छी चीजें अपने मन से बना करके आपके सामने लाएंगे कि आप खुद नहीं यकीन कर पाएंगे कि बच्चे ने कैसी की चीजें बनाई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों को हफ्ते में एक दिन ऐसा मिलना चाहिए, इस तरीके से एक दिन मिलना चाहिए जिस दिन बच्चे अपने मन से चीजों को करें और अपने मन से बहुत सारी चीजों को सीखें, क्योंकि जो चीजें बच्चे खुद से करके सीखते हैं वो बच्चों को, वो ज्ञान उनके अंदर स्थायी होता है और उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। तो इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में सैटरडे के दिन नो बैग डे होता है, उस दिन बच्चों को केवल एक्टिविटी करवानी होती है, बच्चों से चीजें बनवानी होती है और बच्चों को खेल खिलाना होता है, तो यही सब चीजें करवानी होती है। तो इस तरीके से जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है इसका पालन धीरे धीरे प्राइमरी स्कूलों में भी अब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यही लिखा है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की उपयोगिता से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से जिसमें बालक स्वयं की क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान बालक किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है जिसमें बालक के शरीर एवं मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शिक्षण विषय है इसमें कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सब बहुत आसान है और इतने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोई भी चीज भूलने वाली नहीं है। अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से हमारा अच्छे से दोस्तों समझ लिया तो आपको कहीं कुछ भी भूलेगा नहीं। ये जो आपका विषय है शिक्षण अधिगम, इसको हमने एक वीडियो में पूरा समेटने की कोशिश की है। अगर आपने वो इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखा है कि शिक्षण अधिगम विषय आप लोग का अच्छे से नहीं तैयार है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंतर्गत मैंने पूरा शिक्षण एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है पढ़ा करके और इतने अच्छे से समझाया है कि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा शिक्षण विषय अपने आप रिवाइज हो जाएगा। और जितने भी चैप्टर यहाँ पर मैं दोहरवा रही हूँ आपको ऐसा लगेगा कि आप केवल और केवल रिवीजन ही कर रहे हैं। तो उस वीडियो को बहुत जरूरी है दोस्तों आप लोग ये देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है और बहुत ज्यादा आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके से आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आना, ये लगातार ये ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा। बस आप लोग ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सब जगह पर जहां पर भी आपको लगे कि ये वीडियो पहुंचना चाहिए वहां पर जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोज को ऐसे ही देख सके और लगातार ऐसे ही मोटिवेट होते रहे। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोज को देखते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।